नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। कर्नाटक में अब बवाल पूरे चरम पे है। क्यों चरम पे है? क्योंकि कांग्रेस ने उड़ता तीर ले लिया है। जैसा मैंने कहा था कि उड़ता तीर कांग्रेस ने हाथ में ले लिया है, तो उस पर लोगों ने बहुत आपत्ति की और मुझे पता नहीं कितनी कमेंट्स मिली हैं जो कल परसों मैंने जो कहा था उसमें। वो कह रहे हैं कि नहीं, उड़ता तीर तो उन्होंने लिया है लेकिन हाथ में नहीं लिया है, पिछवाड़े में लिया है। कोई बात नहीं, जैसे ही आप लोगों की इच्छा, हम उसको ये कह देते हैं कि भाई उड़ता तीर लेके उन्होंने और उसको पिछवाड़े में ले लिया है, कोई बात नहीं। तो उससे जो है वो फिस्चुला हो गया है या बवासीर हो गया है, ये बाद की बात है, उसको फिर देखेंगे क्या हो रहा है। अब पॉइंट ये है कि जब ये हंगामा होने लगा तब उसके बाद जो कांग्रेस की डिफेंस आ रही है वो उससे भी ज़्यादा ज़ोरदार है। यानी कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि यदि वो सत्ता में आए तो वो बजरंग दल को बैन कर देंगे और PFI को कर देंगे। तो PFI तो पहले से ही बैन है। लोगों ने पूछा कि ये बजरंग दल और PFI को बराबरी में दिखाने का अर्थ क्या है, क्योंकि PFI जो है वो तो सीधे सीधे एक राष्ट्र विरोधी ग्रुप है जो कह रहा है कि हम इस राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। ये भी कह रहा है कि 2047 में हम उसी प्रकार से यहाँ पर मुस्लिम राज्य स्थापित करेंगे जैसा कि पहले था। और उसके पीछे जो है वो पूरा कारण भी है, टीपू सुल्तान ने भी यही किया था। अब टीपू जयंती भी मनाती है हमारी कांग्रेस पार्टी, टीपू सुल्तान की भी समर्थक है। टीपू ने भी यहाँ पर इस्लामिक राज्य स्थापित करने के लिए ही सारे प्रयत्न किए थे, लाखों लोगों के उसने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए थे, लाखों लोगों का उसने कत्लेआम किया था। और उसके बाद भी कांग्रेस जो है वो जाती है और टीपू जयंती मनाती है। ये तो इस प्रकार से हुआ जैसे कोई जर्मनी में जाए और कहे कि भाई हम तो हिटलर को सम्मानित करेंगे और हिटलर की याद में हम उसकी जयंती मनाएंगे। अब जर्मनी में कौन मनाने जाएगा, लेकिन अब भारत में तो सब कुछ होता है, कर्नाटक में ये भी होता रहा। अब इनका कहना है कि ये बैन करेंगे बजरंग दल को। अच्छा, कल मैंने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर ये कह रहे हैं कि बजरंग दल तो कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। बात सही है, क्योंकि बजरंग दल जो है वो विश्व हिंदू परिषद का एक अंग है। तो अब यह नहीं बता रहे ये लोग, बिल्कुल नहीं बता रहे कि भाई बजरंग दल जो है उसको किस आधार पर बैन करेंगे। जो भी आर्ग्यूमेंट्स इनके आ रहे हैं वो इस प्रकार के आ रहे हैं कि किसी बजरंग दल के व्यक्ति ने कहीं पर जाकर कोई अनैतिक कार्य कर दिया, कुछ लोगों के साथ मारपीट कर दी, या कोई बजरंग दल वाला था उसने कहीं जाकर किसी गोरक्षक दल के साथ में किसी के साथ था तो वहाँ किसी कैटल थीफ की यानी गो तस्कर की कहीं हत्या हो गई उससे, इस तरह के कुछ छिटपुट मामले हैं। तो भाई जो भी बात कर रहे हैं उसको बैन करने की, पहले तो यह बताएं, सबसे पहले तो उनको ये स्थापित करना होगा कि भाई आप बैन करोगे कैसे। एज ए स्टेट गवर्नमेंट आप किसी भी समूह को, किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को किस प्रकार से आप उसको बैन कर सकते हो, उसके ऊपर किस प्रकार से रोक लगा सकते हो, आपके पास कोई अधिकार नहीं है। एक PFI को बैन किया था, याद हो आपको, झारखंड सरकार ने, और उस झारखंड सरकार ने उसको एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1963 के अंतर्गत उसमें बैन कर दिया था उन्होंने। अब वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1963 की पावर जो उन्होंने एक्सरसाइज की थी उसको हाई कोर्ट ने कह दिया कि आपकी ये है कॉम्पिटेंस से बाहर है, ये है आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, ये आपकी एक ज्यूरिसडिक्शनल एरर है। उसके अतिरिक्त आपके पास क्या आधार है? और इस पर उन्होंने क्यों कह दिया, क्योंकि जो भी उसमें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1963 में जो भी पावर है किसी भी ग्रुप को बैन करने की, वो एक टेम्पररी पावर है, और टेम्पररी पावर वो भी किसके, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से है। और वो एक प्रकार से, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से आप किसी ग्रुप को या किसी और किसी गतिविधि को प्रतिबंधित करते हैं,
धारा 144 के अंतर्गत उसी का एक रूप है वो। उसमें तो आप बजरंग दल को प्रतिबंधित कर नहीं पाएंगे, तो बजरंग दल को प्रतिबंधित करना है तो आपको विश्व हिंदू परिषद को प्रतिबंधित करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो तो विश्व हिंदू परिषद है, तो विश्व हिंदू परिषद को आप किस प्रकार से करेंगे। फिर जो आपका तर्क है कि उसके कुछ जो सदस्य हैं वो लिप्त पाए गए कुछ इस प्रकार की अवांछित गतिविधियों में, तो भाई अब आप ये बताएं कि हम कांग्रेस पार्टी का उदाहरण ले लें, कांग्रेस पार्टी के सदस्य 1984 के सिख विरोधी दंगों में बड़े पैमाने पर लिप्त पाए गए, उनमें से बहुत सारे अभी भी जेल में, सज्जन कुमार जो उनके एक मुख्य नेता थे वो आज भी जेल में है, उसी आरोप पर जेल में है, और लोग भी हैं उसमें कमलनाथ का भी नाम है, और लगातार कांग्रेस पार्टी एज अ पार्टी उनको बचाती रही है। क्या इस आधार पर कांग्रेस पार्टी को बैन किया जा सकता है, बताएं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के बहुत सारे पदाधिकारी बहुत सारे समयों पर अनैतिक गतिविधियों में, अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। यदि अभी कोई वर्तमान उदाहरण लेना हो तो हम सिद्धू का एग्जाम्पल ले लेते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू का उदाहरण ले लेते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू तो अभी अभी जेल काट के आए, कांग्रेस के सम्मानित सदस्य हैं, तो उन्होंने जो गलत हरकत की थी, किसी की हत्या कर दी थी जिसके कारण उनको इतने वर्षों बाद जेल जाना पड़ा, तो क्या उसके लिए कांग्रेस पार्टी को उत्तरदायी माना जाए? कांग्रेस पार्टी इसके बारे में बताए? और जो दूसरे जो लोग हैं जैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM वो चिल्ला रहे हैं, तो उनके तो पता नहीं कितने सदस्य जो हैं वो पकड़ के और बंद हैं, और यहाँ तक कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट तक में बंद हैं। उसके लिए AIMIM को प्रतिबंधित कर दे क्या? और भी अगर आए तो साहब तृणमूल कांग्रेस का ले लें, तो तृणमूल कांग्रेस तो कितने लोग हैं जो NIA इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत हैं। मुझे नहीं लगता है कि बजरंग दल का कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके विरुद्ध कोई NIA का इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, नहीं कतई नहीं। जो कुछ है वो छोटे मोटे वो लोकल हैं, और उनको सबसे अधिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, और उनके कितने सदस्य जो हैं वो कर्नाटका में मारे गए हैं जिहादी ग्रुप्स द्वारा। SDPI जो कि PFI का पॉलिटिकल विंग है सबको पता है, वो आज तक प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन SDPI को प्रतिबंधित करने की बात कतई नहीं की कांग्रेस ने, अपितु जब SDPI ने यह स्टेटमेंट दिया ओपन स्टेटमेंट दिया कि वो कांग्रेस और JDS का समर्थन करेगी, तो खड़गे साहब ने उछल कर उसको स्वीकार किया और उसके लिए धन्यवाद दिया। क्या SDPI और कांग्रेस इस बात के लिए बंद हो सकती हैं, उनके ऊपर बैन लगाया जा सकता है? इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं, क्योंकि जब तक कोई मटेरियल ऐसा नहीं होगा जो दिखाए कि वास्तव में यह आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, तब तक उनके ऊपर UAPA नहीं लग सकता, और एक लंबे समय तक बैन करने की प्रक्रिया, और वो भी आप ये देखिए कि UAPA में भी एक वर्ष तक बैन करने का है और लगातार उसके बाद फिर रिन्यूअल करते हैं, तो UAPA के अतिरिक्त और कोई भी ऐसा कानून भारत में नहीं है जिसके अंतर्गत इस प्रकार की अवांछित गतिविधियां करने वाले समूह को, दल को बैन किया जा सकता हो या उस पर रोक लगाई जा सकती हो। UAPA तब लागू होता है जब उसके सदस्यों के पास से ऐसी सामग्री मिले जिससे यह स्पष्ट होता हो कि यह भारत की सत्ता को या भारत के प्रजातंत्र को उखाड़कर कुछ और करना चाहते हैं, कोई जैसे कि PFI इस्लामी राज लाना चाहती थी 2047 तक, और भारत के जो वर्तमान संरचना है, वर्तमान प्रजातंत्र है, वर्तमान संविधान है, उसको नष्ट करना चाहती थी।
क्या बजरंग दल इसमें से ऐसा भी करना चाहती है? बजरंग दल तो इसी संविधान को संपुष्ट करते हुए जो अराष्ट्रीय गतिविधियां करने वाले दल हैं, जैसे कि PFI, जैसे कि SDPI और मुस्लिम लीग इत्यादि, इनके विरोध में खड़ा हुआ है। वो तो भारत को हिंदू राष्ट्र आरंभ से मानता है, हिंदू राष्ट्र की उसकी संरचना, उसके संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए, अपना जीवन होम करने के लिए तत्पर है। तो भाई बैन करोगे तो कैसे करोगे, ये तो समझा दो कांग्रेस वालों, या खाली जो है वो लंतरानी हाँकनी है और वही वाली बात कि चल बगैर मतलब PFI को और SDPI को संतुष्ट करने के लिए, उनका तुष्टीकरण करने के लिए पकड़ के उल्टा तीर पिछवाड़े में लगा लिया। अब पता चला कि उसकी नोक में जो है उसमें थोड़ा बहुत कुछ शायद जहर बुझा था वो, तो अब जो है वो उछलते घूम रहे हैं चारों तरफ और कह रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा कांग्रेसियों, तुम्हारी जो बुद्धि है वो तुमने गिरवी रख दी है, वो भी किसके पास? राहुल गांधी के पास। और राहुल गांधी ने अपनी बुद्धि गिरवी रख दी है लेफ्टिस्ट के पास, तो लेफ्टिस्ट वही करेंगे जो उन्होंने CPM CPI का यह किया, यानी कि उसको पूरी तरह से इररिलेवेंट अप्रासंगिक बना देंगे। तो अब तुमने बजरंग दल के माध्यम से बजरंग बली की पूजा करने वालों को, बजरंग बली में श्रद्धा रखने वालों का अपमान किया है। तो बजरंग बली तो भैया चिरंजीवी हैं, कर्नाटक में ही उनका जन्म हुआ था, वो आंजनेद्र पर्वत जो है वो वहीं पाया जाता है तुंगभद्रा नदी के किनारे पर। तो अब कांग्रेसियों को चाहिए कि वहाँ जाकर आंजनेद्र गिरी पर जाकर और वहाँ आंजनेय भगवान श्री चिरंजीवी बजरंग बली से क्षमा मांगे, और यदि वो क्षमा कर दें तो उसको कम से कम पब्लिकली आके एक्नॉलेज करें। लेकिन मुझे पता है कि जिस प्रकार के ये हैं, जिस प्रकार के हिंदू विरोधी ये हैं, अपने आप को कहते रहते हैं कि साहब कि हम जो हैं वो बड़े हिंदुत्व वाले हैं, लेकिन जो है वो सब जानते हैं इनको, ये तो वो मौसमी वाले लोग हैं, इनका कुछ नहीं होगा। अब बजरंग बली जो है वो इनकी व्यवस्था करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।